सोलन में आयोजित HPL क्रिकेट प्रतियोगिता में सेलिब्रिटी मैच का आयोजन किया गया। इस मैच में हिमाचल के जाने माने प्रसिद्ध गायक रिमिक्स किंग कुलदीप शर्मा की टीम ने खूब चौके छक्के लगाए और जीत हासिल की। इस प्रतियोगिता का मुख्य लक्ष्य युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक कर नशे को हिमाचल से खत्म करना है। ये प्रतियोगिता हिमाचल के विभिन्न जिलों में आयोजित की गई। आज इसका सोलन के ऐतिहासिक ठोडो मैदान में समापन किया। सोलन में आयोजित HPL क्रिकेट प्रतियोगिता में सेलिब्रिटी मैच का आयोजन किया गया। इस मैच में हिमाचल के जाने माने प्रसिद्ध गायक रिमिक्स किंग कुलदीप शर्मा की टीम ने खूब चौके छक्के लगाए और जीत हासिल की। प्रतियोगिता का मुख्य लक्ष्य युवाओं को नशों के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक कर नशों को हिमाचल से खत्म करना है। ये प्रतियोगिता हिमाचल के विभिन्न जिलों में आयोजित की गई। आज इसका सोलन के ऐतिहासिक ठोडो मैदान में समापन किया गया है। इस मौके पर प्रसिद्ध गायक कुलदीप शर्मा ने गाकर नहीं बल्कि अपने चौके छक्कों से भी सभी को हैरान कर दिया। उन्होंने खुलासा किया कि आज से 19 साल पहले वह भी नशे की चपेट में थे और कोई भी शराब की बोतल के बदले कार्यक्रम करवा लेता था, लेकिन आज वह नशे से दूर हैं और यही वजह है कि आज उनके पास वह सब कुछ है जो एक सफल इंसान के पास होना चाहिए। इसलिए सभी युवाओं को वह संदेश देना चाहते हैं कि अगर वह नशे से दूर रहते हैं तो वह भी अपने जीवन में कामयाबी की बुलंदियाँ को छू सकते हैं। उन्होंने कहा कि आज वह नशे से दूर हैं, इसलिए वे आज इस काबिल हुए हैं कि वह आमिर खान और अक्षय कुमार के साथ फिल्म करने जा रहे हैं। कलाकारों के द्वारा और खिलाड़ियों के द्वारा जो पूरे प्रदेश में एक नशा मुक्त हिमाचल प्रदेश को बनाने का जो बीड़ा उठाया है भाई, मैं आप लोगों को इसके लिए शत शत नमन करता हूँ। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि नशा मुक्त हिमाचल हम लोगों को बनाना है, अगर इसके लिए मेरा अगर खून का एक कतरा भी मुझे देना पड़े तो मैं वो दूंगा, क्योंकि मैं भी कभी 19 साल पहले नशे की गिरफ्त में था। तो खेल के द्वारा और अच्छे लोगों की और मैं सतगुरु माँ के चरणों में गया तो मैं नशों से मैं तौबा की, नशों से मैं दूर हुआ। तो संदेश मैं यही देना चाहता हूँ, चाहे मेरे कलाकार है, चाहे कोई खिलाड़ी है, चाहे और किसी भी क्षेत्र में कोई भी जाना चाहता है। मैं तो अपनी बात करूँगा भाई कि जब तक मैं नशे करता था तब तक मेरा कोई भी नाम नहीं बना था। यहाँ तक कि मैं कैमरे के सामने इस बात को कहने में भी गुरेज नहीं करता। मैंने बड़े बड़े मंचों पे कहा है कि कुलदीप शर्मा को एक बोतल शराब पिला दी जाती थी और प्रोग्राम करवा दिया जाता था, और तीसरे दिन होश जब मुझे आता था तो मैं घर में मिलता था। तो ये हालत मेरी थी जब मैंने नशों को छोड़ा। तो उसके बाद अब मुझे, मैं अपने बारे में क्या कहूँ, लोग सब जानते हैं। अभी मेरी फिल्म भी आने वाली है, आमिर खान साहब से भी मिलना हुआ, दो दिन हमें उनके साथ रहने का मौका मिला। तो एक वो मुकाम था, आज ये मुकाम है कि हिमाचल प्रदेश की जो पहली फिल्म जो बड़े पर्दे पे लगी, वैसे फिल्में मेरी भी पहले आई है, दो फिल्में आई है। तो ये जो फिल्म बनेगी उसमें हमें अक्षय कुमार जी भी सपोर्ट कर रहे हैं, अपने आमिर खान साहब भी कर रहे हैं, और रजा मुराद, शक्ति कपूर, पोलाराम ढांगवाल जी, इसमें बड़े बड़े कलाकार आपको देखने को मिलेंगे। इस समय हिमाचल प्रदेश को नशों ने जकड़ रखा है। मैं चाहता हूं कि हम जितने भी खिलाड़ी हैं, चाहे कलाकार हैं, हम नशों से लड़े और हम आने वाली जो युवा पीढ़ी है उसको नशों से बचाएं। थैंक यू।